नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणवी ट्रैकर में। अब की बार आपको ले चलते हैं कोरल आइलैंड। इसको वहाँ लोकल लैंग्वेज में कोलैन भी कहते हैं। नवंबर में गया था मैं यहाँ। आपकी स्क्रीन पर जो होटल है बेवली प्लाजा, यहाँ इंडियन बफे मिलता है। वॉकिंग स्ट्रीट के बिल्कुल एंड में है ये। अगले दिन हम ब्रेकफास्ट करके, जो कि हमारे होटल के पैकेज में ही था, हम कोरल आइलैंड के लिए चल पड़े। ये है बेला एक्सप्रेस जो कि 107 पे हैं, और ये मेरे दोस्त नवदीप सोडी जी। तो चलते हैं कोरल आइलैंड। और हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही पताया बीच है। थोड़ी देर में हम पताया बीच पे आ गए दोस्तों। सामने स्क्रीन पर जो आपको बोट्स दिखाई दे रही हैं, अगर इनसे आप कोरल आइलैंड जाने के लिए कहेंगे तो ये 1500 से 2000 थाई बाट की डिमांड करेंगे, या पर पर्सन भी आपसे चार्ज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी महंगा है। अगर आपको कोरल आइलैंड जाना है और बहुत ही सस्ती टिकट में जाना है, तो इसका वे जो है वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। यहां से आपको वॉकिंग स्ट्रीट जाना होगा, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ये वही वॉकिंग स्ट्रीट है जहाँ इवनिंग टाइम में और नाइट टाइम में पैर रखने की भी जगह नहीं होती। और ये डे टाइम का नज़ारा दोस्तों, इस वक्त यहाँ गाड़ियाँ भी चलती हैं और बिल्कुल खाली है ये इस वक्त। यकीन ही नहीं होता कि ये रात वाली ही वॉकिंग स्ट्रीट है। आपको इसके बिल्कुल एंड में जाना है दोस्तों। वॉकिंग स्ट्रीट को आप पैदल, या जो ये स्क्रीन पर टुक टुक जाती हुई दिखाई दे रही है, इससे आप बिल्कुल आखिर में जाएं। और ये इंडियन डांस क्लब, विदेश में तिरंगा लहराता हुआ बड़ा ही शानदार लगता है दोस्तों। इससे जब आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वॉकिंग स्ट्रीट का एंड पॉइंट आ जाएगा, जिसका नज़ारा कुछ इस तरह है। इस यहाँ से आप लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे और यहाँ जब आप पियर्स की तरफ जाएंगे तो ये इस तरह के आदमी आपको आएंगे, इनवाइट करेंगे कोरल आइलैंड जाने के लिए। 1500, 2000 या 1000 बाट पर पर्सन की ये डिमांड करेंगे। इनसे बिना बात किए आप आगे चलते रहें। ये जो हट शेप की बिल्डिंग आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसके सामने जो रोड है, इसी रोड से आपको आगे शिप की तरफ जाना है। आने और जाने का अलग अलग किराया है दोस्तों, और किराया इतना कम है कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। वो सामने देखिए, एक बोट स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, हमने उसी पे जाना है। बार बार वो हॉर्न भी दे रहे हैं, चलने का टाइम हो गया है। और इसका किराया इतना कम है कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ये बोट है जिससे हमें जाना है, जो हमें मिली है सिर्फ 30 बाट एक साइड के। तो इसमें दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप नीचे बैठे या ऊपर चले जाएं, और मैं इसमें चूज करूंगा ऊपर का साइड। अपनी अपनी वो है कि आप कहाँ बैठेंगे। ओ बेटे, घनी भीड़ है भाई। और ये लाइफ जैकेट दोस्तों, ये जरूर पहननी चाहिए। देखिए कितना रश है यहाँ से लाइफ जैकेट लेके। ये कैप्टन का क्रू, थोड़ा सा इसको टाइट ही बंद करें, आप अपने हिसाब से लूज कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि इसको थोड़ा सा, लाइफ जैकेट को थोड़ा सा टाइट करके रखें, ताकि कहीं कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। चलो सफ़र करते हैं, अब देखते हैं को आइलैंड। दोस्तों कोरल आइलैंड पर कई बीच हैं, लगभग 6-7 बीच हैं, और हमने तय किया था ये तैवेन बीच पर जाना, वो भी मात्र 30 बाट में। ये देखो दोस्तों, तो शिप है,
पानी के चुकुर काट दिए ना मेरे बेटे ने, दूध बना दिया पानी का, क्या इंजन है इसका। अब देखो आगे बढ़ता हुआ का देख। और ये देखो धाकड़ बंदा कहाँ बैठा जाके, तो ये आपका जो कोरल आइलैंड जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, कोलैंड भी बोला जाता है इसको यहाँ, कोलैंड। पास आ गया है और दोस्तों ये एक सीप मतलब काफ़ी बड़ी सीप है जो मोटर बोट से जो बहुत ज़्यादा बड़ी, लेकिन इसमें मैंने एक चीज़ देखी, देखिए आप मुझे देख पा रहे हैं मैं यहाँ खड़ा हूँ, इसमें हिल नहीं रही बिल्कुल भी, मतलब जैसे आप देसी भाषा में कहते हैं ना भाई हाल लग गई झोले लग रहे हैं, वो चीज़ नहीं है इसमें। और अब मेरा ये सोचना है मुझे आज तक क्रूज पे बैठने का मौका नहीं मिला, अगर ये सीप इस झोले नहीं खा रही है उसका फिर एक न्यारा ही नज़ारा होता होगा मेरे हिसाब से। और ये देखिए जहाँ के लिए हम आए हैं, और ये देखो क्यों मेरा बड़ा मोटा होगा बिल्कुल नीचे की वो बना रहे हैं मूवी, फाइल गिर जाए खुद गिर जाए, एक अंग्रेज भाई मोटे होकर बनाने लग रहा है अपनी मूवी भाई। जहाँ ये आगे रुकने वाली है इसका जो पोर्ट है पियर है वो ये है, जहाँ पे ये आराम आराम से, और ये देखिए सारी जनता जो पब्लिक है उतरने के लिए अब बेताब। देखिए कुछ लोग यहाँ फिशिंग करते हुए, और ये सिप पे ये नेट है, नेट को इकट्ठा करते हुए, और ये इसमें से बाइक में से निकल के आ रहा है। देखिए यहाँ सिलेंडर कैसे है, ग्रीन सिलेंडर, यहाँ ये नेट में से शायद सी फूड के लिए इसको यूज़ किया जाता है यहाँ। और ये देखिए दोस्तों मैं जो बात कह रहा था कि यामाहा का जो इंजन है, मोस्टली जो मोटर बोट है उस पर यामाहा का इंजन यूज है, यामाहा ग्रेट।
दोस्तों थाईलैंड की जो जनता है वो भगवान को और अपने राजा को बहुत ज़्यादा मानते हैं, इसलिए जगह जगह पर भगवान के मंदिर और इस तरह राजा की फ़ोटो जगह जगह पर मिलेंगे। और दोस्तों इस तरह से हम सिर्फ 30 बाट में कोरल आइलैंड आ पहुँचे और यहाँ हम लगभग 6-6.5 घंटे रहे। यहाँ दोस्तों आप कुछ पैसे खर्च करके वाटर स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं और अगर थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्चें तो इस तरह से समुद्र के तल पर भी जा सकते हैं। और दोस्तों वापसी में हमने यहाँ एक इंडियन रेस्टोरेंट भी देखा और वापसी भी हमने सिर्फ 30 बाट में ही की। दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अब तक नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना। खुश रहो, स्वस्थ रहो दोस्तों।